वैसे भारत जिस तरह के एंटी हथियार तैयार कर रहा है, वैसे हथियार तो चीन ने 3 साल पहले ही तैयार कर लिए थे। इतना ही नहीं, उसने अपने एक पुराने मौसम सैटेलाइट पर उसका सफल टेस्ट भी कर लिया था। इससे साफ है कि चीन दूसरे देशों के सैटेलाइट पर नजर रखता है। ये दूसरी बात है कि उसके ही तमाम खुफिया सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। ग्यारह जनवरी 2007, चीन की नई खुरापा ड्रैगन का आसमानी हथकंडा अंतरिक्ष में किया धमाका। ऐसी ही तस्वीरें थी जनवरी 2007 की, जब चीन ने अपने पुराने मौसम सैटेलाइट को धरती से मीलों दूर अंतरिक्ष में ही ध्वस्त कर दिया। चीन ने मौसम की जानकारी देने वाले वेन युंग वन सी नाम के सैटेलाइट को मिसाइल की जबरदस्त टक्कर से टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसी के साथ ड्रैगन ने अंतरिक्ष में अपनी ताकत की नुमाइश भी की। चीन ने भले ही इसे सिर्फ मामूली परीक्षण का नाम दिया हो, लेकिन दुनिया भर के देशों ने स्पेस वॉर की ओर बढ़ते ड्रैगन के खतरनाक इरादों को भांप लिया। चीन के इस बेहद खतरनाक परीक्षण ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े कर दिए हैं। अंतरिक्ष मामलों पर काम करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस अपनी रिपोर्ट में पहले ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर मंडराते खतरे के लिए आगाह कर चुका है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन ने कहा था, भारत ने अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और बहुत पैसा लगाया है, इसलिए जरूरी है कि हम दुश्मनों से इसकी सुरक्षा के बारे में सोचें। हमें इसके तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है। ऐसे में ये लाजमी है कि भारत अंतरिक्ष में सुरक्षा का ऐसा मजबूत घेरा बनाए जो दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर सके। इसीलिए डीआरडीओ ने 2014 तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरी तरह से अभेद्य किले में तब्दील करने की रणनीति बना ली है। चीन से खतरा ज्यादा, स्पेस वॉर की गुपचुप तैयारी। अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने में जुटा चीन अब अंतरिक्ष में भी उत्पात मचाने की फिराक में है, लेकिन जब भी दुनिया या भारत का दबाव पड़ता है, चीन इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। चीन ने 2006 में जारी अपने श्वेत पत्र में कहा था कि वो सिर्फ शांति के लिए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का इस्तेमाल करेगा। बावजूद इसके चीन लगातार पैरास्टिक और नैनो जैसी खतरनाक मिसाइलें बनाता रहा है। इसके अलावा चीन ऐसी तकनीक बनाने में कामयाब हो चुका है जो किसी भी देश के संचार तंत्र को पल भर में बर्बाद कर सकता है। ऐसे में चीन का सबसे करीबी निशाना भारत ही हो सकता है। चीन की पिछली करतूतों को देखते हुए इस पर यकीन करना और भी आसान हो जाता है। इस सच को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक भी गुपचुप तरीके से मानते भी रहे हैं। खतरा है दोतरफा, पाकिस्तान भी है कम नहीं। आसमान से किसी शिकारी चील की तरह भारत पर हमले की ताकत जुटा रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। उसके सैनिक ठिकानों में तैयार है दर्जन भर से ज्यादा खतरनाक किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल। कभी पाकिस्तान के साथ हथ वन और अब्दाली जैसे कुछ 100 किलोमीटर की मार करने वाली मामूली मिसाइलें हुआ करती थी, लेकिन आज चीन की मदद से पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का डर दिखा रहा है। सॉलिड फ्यूल तकनीक पर आधारित ये मिसाइल अपनी उड़ान का एंगल बदल सकती है। राडार सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक को धोखा देने में भी ये सक्षम है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 100 किलोमीटर के दायरे वाली हफ्त एक स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अब्दाली की क्षमता 180 किलोमीटर है। गजनवी का दायरा 290 किलोमीटर है, तो चीन से मिली M11 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मतलब साफ है कि खतरा पाकिस्तान से भी कम नहीं है। भारतीय ठिकाने पाकिस्तानी और चीनी सेना की जद में है। ऐसे में यह जरूरी है कि हिंदुस्तान अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों को करारा जवाब दे। आज तक ब्यूरो।